आज के काम की हमारे शुरुआत हो चुकी है। और ये देखो आज हम पता क्या करेंगे, आज हमारे काम वाले नहीं आए, कोई भी नहीं। आज मिस्त्री जी भी हमारे बीमार थे, तो सभी बीमार हो गए हैं, जितने भी लोग हैं ना सब बीमार हो चुके हैं। पता नहीं कैसा बुखार है। फिलहाल तो हम ना यहाँ पे आज शोलिंग करेंगे, या फिर ऊपर जो बाथरूम वाला लेंटर है ना इसके ऊपर पता नहीं क्या करेंगे, कुछ सरिया सुरिया बिछा दी है ना, कुछ और बिछाएंगे। और यहाँ पे कर और खुरली बना दी है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने दिखाई नहीं पिछले दो दिनों से क्या। हाँ ये देखो खुरली अच्छी बनी है, बढ़िया। पर मेरे को एक 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 वो लग रहा है कि मैंने कहीं ज्यादा तो नहीं बनवा दी ये खुरली आगे को, ये स्पेस कम रह गया परे को, मेरे से खुद नहीं चला जाता। ये देखो ये बनी खुरली काफी ऊंची है, इससे ज्यादा साफ करने को बढ़िया है। इसकी जो चौड़ाई है मैं पूछूंगी इनसे कि आना जी ये खुरली कितनी, 2 फुट चौड़ी, हाइट तो अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल जाज खुरली है, पर बहुत ऊंची थी हमारी ये, मेरे को बड़ी पसंद आई ये वाली खुरली, बहुत अच्छे भी। इसके ऊपर प्लास्टर बनाते हो बनेरू, ये बहुत बहुत सख्त है, से नीरू कर देना 10 मिनट जब छाऊ से जबा दी है ते वे टूटदा पूड़ो आए ना रे फूडना है ना रे नी आ जो भी करना। तो 5 जगह हमने खुंडे रख दिए हैं, और मैंने बोला था कि एक खुंडा ना वहां पे भी रखना यहाँ पे, तो इन्होंने मना किया कि यहाँ जरूरत नहीं थी, पर फिर भी देखूंगी मैं अगर पॉसिबल हुआ, मेरे को लग रहा है कि यहाँ रखना चाहिए था। 5 खुंडे यहाँ पे और इस साइड को 3 खुंडे, इनको बोलते हैं खुंडे बोलते हैं हम अपनी भाषा, 3 नहीं है 4 नहीं 3 ही है। तो छोटे बच्चे वगैरह, अब ये पता है ऊपर क्यों लगाए इतने, मैं बता देती हूँ, आप लोगों ने भी पूछना ही है बाद में, क्योंकि पता क्या है यहाँ पे प्लेट लगी थी, तो प्लेट बीच में तो हम रख नहीं सकते, तो इसको अब इसके इससे हम ना नीचे को, इससे हम नीचे को ना वो बांध देंगे, रस्सी रस्सी बांध देंगे, उसमें बांधा करेंगे बच्चों को जितने भी हो गए। और एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, या तो बांस कुछ भी इस तरह का ना, और या लोहे का कुछ भी उसमें तो 2024 में हमारी कंप्लीट हो जाएगी ग्वाइनो, और ये ऊपर बनेगा हमारा जो है 2023 में काम लगा था, 2024 में कंप्लीट। तो ये हम टीन के पत्रे लाए जो कि मैंने आपको नहीं दिखाए थे, कौन सी कंपनी के। अच्छा सुनो ये माँ तो पूछ रहा था कि ना कितने एमएम का पत्ता है, है ना बाबा, अरे इधर लिखा होना मैं क्यों, ये जो है 5 mm का है ना, 50 0.50 mm कितने रहा जी, एक का से कम आधा एमएम, नहीं नहीं ते बे 0.50 mm हैं, आधा एमएम ठीक नहीं है, एक का एमएम पूरा 0.50, और हनी लेके आ गया चाय, और नंगे पैर घूम रहा है ये देखो इसको, ये शीट का जी है। और ये ऊपर जो टीन के ऊपर रखते हैं ना जिसके तितर भी बनते हैं ऊपर मोर पंख, इधर बनाना जो नहीं नहीं पानी रोकने के टीन पत्र रोकने तो। ये पत्रा और ये एक पत्रा 1000 रुपए का है, मेरे को दे दे चाहे, एक पत्रा 1000 रुपए का है ये बता दूं मैं, कुछ लोगों ने पूछा था मेरे से, सारा कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊंगी कि कितना लगा पूरे, लास्ट में बताऊंगी कि टोटल कितना लगा सारा जो, पर अंदर नहीं अंदर ठंड है। हाँ जी राम राम जी, और आप लोगों का क्या कहना है जो कि हड़ताल हो रखी है, मुझे कमेंट करके बताना कि क्या वो डिसीजन सही है मोदी जी का या गलत है। ये यहाँ पे कर रहे हैं अभी, ये चाय पी रहे हैं, और यहाँ से आगे काफी बढ़िया हमारा खेत हो जाएगा, और यहाँ पे ज्यादा ऊंची दीवार नहीं हमने देनी है क्योंकि धूप रुक जाती है पशुओं की, है ना, बस हम एकदम से पशु को इस साइड लेके आ जाएंगे, फिर हम धीरे धीरे परे सफाई करते रहेंगे, और फिर मार्च अप्रैल तक शायद जो हमारे हवन का है वो रखा है हमने, तब तक हम उसकी सफाई कर देंगे कमरों की, रंग रूंग करके उनमें वहाँ पाठी बिठा देंगे जो भी है, नीचे का सारा गंद यहाँ से उठ के सीधा आ जाएगा तान के ऊपर, है ना जी। तो हमारे औजार 10 रुपए पापा, एक चक्की ना नहीं पापा, जोरदार लगी रमला एक एक औजार है। तो देखो ये हमारे काम करने के औजार होते हैं, नाम लो इनका, इसका नाम है पंजी, इसको बोलते हैं पंजी, 5 मुखों वाले,
एक्स का क्या काम होता है? ये बेलचा। अरे ये तो बेलचा है। ठीक है, और पंजी का क्या काम होता है? जैसे छोटे मोटे गटियां इकट्ठी करनी है ना, जैसे लोड़ा मारना। हाँ, मोटा मोटा अगर निकालना ऊपर से। और अगला कान, ये है जी कान, कितने किलो का होता है आइडिया जैसा? तो 8-10 किलो के करीब होता है। इसको उठाना, ये पत्थर तोड़ने का काम करता है। और अगला, इसको बोलते हैं गेंती। ये जी हमारी गेंती, खुदाई होती है जैसे जमीन को खोदना है। ये देखो, ये हमारे पशुओं का आंगन। बस बस करो, बस करो, ये सिर्फ ट्रेलर बता रहे हैं आपको, खोद नहीं रहे हैं। और यहाँ पे हमारी गाय बजेगी। और मैं इतना बड़ा सपने लेके चलती हूँ और खुद ऐसे लमलेट हुई पड़ी हूँ कि दे दो पानी, मेरे से उठने की हिम्मत नहीं हो रही। सोचा है कि मैं 2 गाय और लेके आऊंगी। 2024 में नया काम करना है, वो भी इसी महीने से शुरू करना है। इसी महीने से, जनवरी से, जनवरी में हमारी जो सिया है ना, हमारे जीव जनाडा हो जाएगा ऐसा? ये मिस्त्री जी को पता है, बताओ हो जाएगा ऐसा? सच जी हो जाएगा ऐसा पक्का? ये देखो, ये ना सारा काम कर लेते हैं। और इनका काम ना बहुत साफ सुथरा है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये देखो है, तो 24 में अगर भगवान ने चाह, माता रानी ने चाह, इस महीने सिया की डिलीवरी डेट है, सिया इसी काउ शेड में हमारे बच्चा देगी, है ना? देखते हैं। और मेरे को बकरे नहीं कि पापा मेरे को गालियां दे रहे हैं। नहीं नहीं, बोलो बोलो उस अंदाज से बोलो जैसे पहले बोल रहे थे। दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। बैठी हूँ इस तरह की लग रही हूँ, पानी दे दो। मैंने घास को जाना था पर मैं नहीं जा पाऊंगी आज। मेरे को उन्होंने सुबह ही दवाई खिला दी, उस दवाई से मेरे को नींद लगती है। तो मैं सो तो नहीं रही हूँ पर मैं यहाँ बैठ रही हूँ, धूप सेक रही हूँ। धूप सेक रही है मेरे को अभी। लोभ होता है मेरे को हर काम का। और ये कि किसी भी तरह से ना, बस जब पूरा हो जाता है तो मेरे को बड़ी तसल्ली मिलती है। ये हो गया, अभी हमारे आंगन सालना बोलते हैं इसको। ये जो छोटे छोटे पत्थर लगा रहे हैं ना, इनमें इनके ऊपर फिर रोड़ी मसाला पड़ेगा जो सीमेंट का, फिर बनेगा हमारे आंगन। उसके बाद बनेगी फिर बाहर की कुरली। तो ये देखो, ये हर कोई नहीं कर सकता इस काम को, नहीं तो हमने खुद भी साल देना था आज तक। कुछ आंगन सालना बोलते हैं इसको, क्या बोलूंगा नहीं पापा? शूलिंग, अपने मतलब हिंदी में बोलते हैं शूलिंग, अपने भाषा बोले आंगन सालना। देखो देखो देखो, नहीं आप लगा रहे, बोलते ये पत्थर ऐसे लगाते हैं। ये देखो छोटे छोटे पत्थर, बहुत काम है अभी। मतलब अभी मैं आपको मेन मेन काम बता देती हूँ। जैसे इसके ऊपर फिर मसाला पड़ेगा, है ना, फिर इसके ऊपर खुरली बनेगी। बन गया, फिर रहेगी हमारी छान। फिर लकड़ी लेने जाएंगे हम किसी दिन ना, फिर लकड़ी लाएंगे और फिर बुलाएंगे मिस्त्री को, और फिर पड़ जाएगी इसके ऊपर टीन। ये काम हो गया। वैसे तो काम अगर कंटिन्यू हो जाएगा हमारा तो 5-7 दिनों का काम है, ज्यादा नहीं है। हरी बीमारी चली रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, क्या करें। कितनी सुंदर लग रही है ना, मैं काला चश्मा लगा के आज मैंने सुबह से लगा रखा और बिल्कुल भी नहीं उतारा है। मेरे को बहुत फर्क है इससे भी, इसको लगाने से भी। बस का यही है, इसके धूप में काला हो जाता है, ये छाया में नॉर्मल हो जाता है। अभी शाम का टाइम हो रखा है, 5 बजने को है। अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितनी हो गई शोलिंग।
और इस साइड ना बड़ा उजला उजला सा है। पहले थोड़ी सी गलती हो गई, हनी पापा ने नहीं बनाने दिया पहले मेरे को। अगर इस साइड मकान डालते ना पहले, इस साइड उधर उस साइड रहने देनी थी, जो कब छड़ थी वो वैसे ही रहने देते। मकान इधर डालते ना इस साइड को, तो बढ़िया रहना था। नीचे ही हमारी किचन भी आ जानी थी और चार पांच कमरे यहीं पे हो जाने थे सेट। निचली मंजिल की ना बात ही कुछ और होती है। तो ये हो गया हमारा आंगन तैयार। कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे, काफी हो गया टाइम लगता है, छोटा छोटा काम होता है ना ये। और ये देखो सूर्य भगवान जी कहाँ पे हैं अभी। तो बस मैं इसी के साथ वीडियो का एंड भी करूंगी। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ आजकल, ताकि आप लोग पूरा देख सकें। और यहाँ पे ना ये देखो, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। ऊपर आपको होल जैसा दिख रहा है ना दरवाजे के सेंटर में, सेंटर में तो नहीं है, थोड़ा साइड में। तो यहाँ से हमारा सारा जो गौमूत्र होगा इकट्ठा होके ना, यहाँ से जो बीच से आपको एक लाइन जैसी दिख रही होगी, हम पाइप यहाँ से दबा देंगे और यहाँ पे निकालेंगे बोतल के पास परे जैसे, और यहाँ पे फिर उसको भर के सारे अपने खेतों में फैला दिया करेंगे इधर इसमें। और उसकी खाद भी बनती है बहुत अच्छी। तो ये होगा यहाँ पे अंदर फिर बिल्कुल। और इसकी जो सारी ढलान होगी आंगन की ना, खुरलियां ऊपर वाली साइड जाएंगी दरवाजे के साथ। तीन पशु इस साइड को जाएंगे, तीन चार पशु इस साइड को, चार चार खुरले भी होंगे तब भी काफी हो जाएगा। तो वहां गेट लगेगा, उस वाले कोने पे गेट लगेगा एक। और हनी आ रहा है वहां से पशुओं को अंदर बांध के। तो यहाँ को, यहाँ से हम ज्यादा ऊंचा नहीं करेंगे इस वाली दीवार को, इस वाली दीवार को थोड़ा नीचा ही रखेंगे, धूप नहीं जाती फिर बाहर ना। तो ये देखो ये बनी जी हमारी गौशाला। घर और गौशाला ठीक है यहाँ तक। और जो वीडियो था वो कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सजेशन जरूर देना। अभी भी अगर कुछ होगा कमी तो आप जरूर बताना। अच्छा एक ने मुझे किसने पूछा था कि वेंटिलेशन का क्या रखा है आपने हिसाब, तो वेंटिलेशन का यहाँ पे ना खिड़कियाँ काफ़ी बड़ी हैं हमारी, हम इनमें जालियाँ लगा देंगे। और बाकी इतना ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं, हमारे पहाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे ना, तो इस करके। लेकिन फिर भी मतलब यही है ना आपके बोलने का मतलब, कि हवा क्रॉस होनी चाहिए, यहाँ से वहाँ को जानी चाहिए ना, वहाँ से यहाँ को आनी चाहिए। तो दरवाजे के नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। वेंटिलेशन का होता है अगर दूर होता है ना तो रखना पड़ता है। इतना बड़ा खुला दरवाजा है, इसमें भी हम जाली लगाएंगे, खिड़कियों में भी जाली लगाएंगे। तो फिर मतलब अच्छे, इस बार हमने बहुत सोच समझ के काम किया है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। बहुत सारा ध्यान रखना, अपने दुआओं में याद रखना, आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। मैं काफ़ी ठीक हो रही हूँ आप लोगों की दुआओं से, माता रानी के आशीर्वाद से। तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और अपने राय कमेंट्स में ज़रूर बताना। जय माता दी।